शेखावत आते हैं, वो कभी कहते हैं ईडी, कभी कहते हैं सीडी, कुछ दिन पहले ही तथाकथित फोटो वायरल होते थे, तो क्या लग रहा है इस बार बड़ी चुनौती नहीं है? और इन तमाम जितने भी लोग, चाहे वो तथाकथित फोटो हो, ईडी हो, सीडी हो, इन पर क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि अभी तक आपकी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं। साथ रहा हूँ, इसलिए चाहे गजेंद्र सिंह जी स्टेटमेंट दें, चाहे कोई भी दे, चाहे ईडी की धमकी दें, चाहे किसी प्रकार की कोई धमकियों से मैं कोई डरने वाला नहीं, क्योंकि जनता का मेरे पर आशीर्वाद है और जनता मेरे को जानती है और जनता के सुख दुख में मैं छोटे से लेकर बड़ा जनता के बीच में हुआ हूँ। मुझे इसकी कहने की कोई आवश्यकता नहीं, इसका जवाब बाड़मेर की जनता देगी। अच्छा, बीजेपी तो ये आरोप लगाती है कि मेवाराम जैन के आसपास के लोगों का विकास हुआ है, बाड़मेर का विकास नहीं हुआ है। खुली गई है, शिक्षा का विस्तार किया है, सड़क टीचर नहीं है वहाँ पर, साफ टीचर नहीं है। आप जो कह रहे हैं टीचर, अभी टीचर की भर्ती भी होगी, लगा भी दी है, इसलिए आप ये जो कह रहे हैं टीचर वाली भी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी नहीं, कहना चाहूंगा कि गांव में ढाणियों में शहर वाले पानी के लिए तरस रहे, आप देखिए ना महीने भर पहले भी इस तरीके की। मैं आपको फिर बात करना चाह रहा हूँ, नहर बंदी थी, लाइट की समस्या थी, इसलिए वो पानी की समस्या थी, उसके लिए हमने आपको पता होगा 60 करोड़ एक सेंक्शन करा दिए, 30 करोड़ और सेंक्शन करा दिए भाटका से। अब ये बातें देखो, मैं नगर पालिका में इस 5 साल में मैं 10 बार भी नहीं गया हूँ, फिर ये बताऊँ आपको। अच्छा, नहीं तो डेली नगर पालिका, मैं यही तो कह रहा हूँ, आप इसका भी पता करिए, कहीं भी कहिए बाढ़ में भी मैंने परिवार जी कह रहे थे 10 दिन पहले एक इंटरव्यू के दौरान कह रहे थे कि कांग्रेस वाले तो कोरोना में गायब हो गए साहब। यही तो है कि ये दिखी कहाँ, बीजेपी वालों को पूछो कि कोरोना। कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो गई है, 43 नाम की सूची है और गहलोत की जमकर चली है। गहलोत के करीबी और बाड़मेर से लगातार 3 बार के विधायक मेवाराम जैन पर एक बार फिर से 4थी बार भी पार्टी ने भरोसा जताया है। हमारे साथ है, आप देखिए मेवाराम जैन 2013 के अंदर जब मोदी लहर थी उसमें पूरे कांग्रेस के अंदर 21 सीटें आई थी और मारवाड़ के अंदर 3 सीटें आई थी, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मेवाराम जैन और सुखराम विश्नोई थे। मेवाराम जी 4थी बार पार्टी ने भरोसा जताया है, क्या लग रहा है? मैं जो पार्टी ने मेरे पर 4थी बार भरोसा जताया है, मैं हमारे राष्ट्र के कांग्रेस के नेता हमारे राहुल जी, हमारी नेता सोनिया जी, प्रियंका जी, हमारे AICC के अध्यक्ष खड़गे साहब, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटरासे जी, हमारे महामंत्री, हमारे सचिव और हमारे कांग्रेस के सीनियर नेता, और उसके साथ साथ बाड़मेर की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे 3 बार पहले विधायक बनाया, 2 बार सरपंच बनाया, 1 बार चेयरमैन बना और 4थी बार मेरे पर भरोसा कर और कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया। मैं माननीय हमारे कांग्रेस के सभी नेताओं को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और उसके साथ साथ बाड़मेर की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे पर विश्वास जताया है। मैम जी क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि हमेशा से कांग्रेस का या 25-30 साल का इतिहास रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इस बार आप देखिए कहीं वही चला तो इस बार कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल है। मैं कहना चाहूँगा कि इस बार जो माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने राजस्थान प्रदेश के अंदर जो विकास की गंगा बहाई है, शानदार योजनाएं जो राजस्थान में लागू की है, और आम जन तक कोई परिवार ऐसा नहीं रहा होगा कि जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिला हो, चाहे पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो, कॉलेज हो, चिकित्सा हो, OPS योजना हो, पेंशन बनाने की बात हो, 10 स्कीमें हमारी हो, चिरंजीवी योजना 25 लाख की बात करें, चाहे शहरों का विकास हो, ओवरब्रिज हो, अंडरब्रिज हो, अस्पताल हो, PSC हो, CAC हो, जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा और जिस तरह से शहरों का पट्टे देने की बात हो, शहरों के विकास की बात हो, सौंदर्यकरण की बात हो, गांवों के विकास की बात, इस बार मुख्यमंत्री जी ने जो मांगा वो दिया, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और बाड़मेर की सातों के सातों हम सीटें जीतेंगे। दावे के साथ कह रहा हूँ कि अब के किसी भी हालत में कोई जनता जिस तरह से खुश है, जिस तरह से वापस कांग्रेस को लाना चाहती है, जिस तरह से प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने जो मांगा वो जनता को दिया है, तो इसलिए कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और जो कितने सालों का ये मिथक टूटेगा और आप कांग्रेस की सरकार बनेगी, 101% ये जनता बिल्कुल इसके लिए तैयार है।
बीजेपी ने बड़ा खास प्लान बनाया है आपको हराने के लिए। गजेंद्र सिंह शेखावत आते हैं, वो कभी कहते हैं ईडी, कभी कहते हैं सीडी, कुछ दिन पहले ही तथाकथित फोटो वायरल होते थे। तो क्या लग रहा है इस बार बड़ी चुनौती नहीं है, और इन तमाम जितने भी लोग, चाहे वो तथाकथित फोटो हो, ईडी हो, सीडी हो, इन पर क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि अभी तक आपकी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं? देखो, मैं प्रतिक्रिया देना भी नहीं चाहता, ये पहली बार नहीं हुआ ऐसा, ऐसा पहले भी दो बार पहले हो चुका है, दो बार पहले हो चुका है, हो चुका है। और इस तरह के वायरल, जिस तरह से मुझे परेशान करने के लिए, और इस तरह का जो ये किया गया है, इससे मैं कभी विचलित नहीं हूँगा, क्योंकि उसका जवाब बाड़मेर की जनता देगी। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि ईमानदारी के साथ मैं जनता के साथ रहा, जनता के विकास में, जनता के दुख दर्द में साथ रहा हूँ। इसलिए चाहे गजेंद्र सिंह जी स्टेटमेंट दें, चाहे कोई भी दे, चाहे ईडी की धमकी दें, चाहे किसी प्रकार की धमकियों से मैं कोई डरने वाला नहीं, क्योंकि जनता का मेरे पर आशीर्वाद है, और जनता मेरे को जानती है, और जनता के सुख दुख में मैं छोटे से लेकर बड़ा जनता के बीच में हुआ हूँ। मुझे इसकी कहने की कोई आवश्यकता नहीं, इसका जवाब बाड़मेर की जनता देगी। अच्छा मैम, क्या इन 5 सालों में आपने कामकाज करवाए, और अब क्या रह गया है जिसे आप करवाने की कोशिश करेंगे? और बीजेपी तो ये आरोप लगाती है कि मेवाराम जैन के आसपास के लोगों का विकास हुआ है, बाड़मेर का विकास नहीं हुआ है। मैं कहना चाहूँगा, बाड़मेर के अंदर ये जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन रहा है शानदार, 200 करोड़ का, बाड़मेर के अंदर आपकी मेडिकल कॉलेज बाड़मेर में, इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर में, नर्सिंग कॉलेज बाड़मेर में, संस्कृत कॉलेज बाड़मेर में, कृषि कॉलेज बाड़मेर में, पंचायत मुख्यालय में, हर जगह जहां सीनियर सेकेंडरी स्कूल है कर्मोन्नत कर खोली गई है, शिक्षा का विस्तार किया है, सड़कों टीचर नहीं है वहां पर, साहब टीचर नहीं है। आप जो कह रहे हैं टीचर, अभी टीचर की भर्ती भी हो गई, लगा भी दी है, इसलिए आप ये जो कह रहे हैं टीचर वाली भी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी कर दी है। आने वाले दिनों में देखोगे कि टीचर्स कोई स्कूल खाली नहीं रहेगी, और इतनी कॉलेजें खोली है, सड़कों का कितने सालों में, मेरे ख्याल से 20 साल में जितनी सड़कें नहीं बनी, इतनी 5 साल में सड़कें बनी है। आप पानी की योजनाओं की बात करो, मोहनगढ़ बाड़मेर लिफ्ट किनाल, हिमालय का पानी बाड़मेर में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बाड़मेर आया, और आज मैं कहना चाहूंगा कि गाँव में ढौनियों में शहर वाले पानी के लिए तरस रहे, आप देखिए ना महीने भर पहले भी इस तरीके। मैं आपको फिर बात कहना चाह रहा हूँ, नहर बंदी थी, लाइट की समस्या थी, इसलिए वो पानी की समस्या थी, उसके लिए हमने आपको पता होगा 60 करोड़ एक सेंक्शन करा दिए, 30 करोड़ और सेंक्शन करा दिए, भाटका से बाड़मेर अलग पाइपलाइन अगर नहर बंदी होगी तो उसके लिए हमने सेंक्शन करा दी, टेंडर करा दिए, और पानी की समस्या का समाधान पूरा 300 ट्यूबवेल, 1500 हैंडपम्प इतने अभी इस समय में खुदे हैं, और पानी की समस्या का समाधान होगा। घर घर बिजली की व्यवस्था हो रही है, टेंडर हो गए, खंभे डल रहे हैं और बिजली के कनेक्शन हो रहे हैं, सड़कें जगह जगह आप देख रहे हो, हर 250 की राजस्व गांव में सड़क बन रही है। और बाड़मेर शहर के अंदर पट्टों की बात करो, आप शहर के विकास की बात करो, सौंदर्यीकरण की बात करो, बीजेपी नगर परिषद में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है, आप पर भी इसीलिए कह रहे हैं ईडी इसीलिए आएगी नगर परिषद के चलते। मैं फिर कह रहा हूँ, बाड़मेर की जनता मुझे जानती है, हाँ। कि मैं किस तरह से, मैं चाहे सरपंच रहा, चाहे चेयरमैन रहा, चाहे ये रहा, हाँ। इन्होंने मेरे पर जो आरोप लगाने वो लगाए, और उसकी हाई कोर्ट में, SCD में, CID में, पुलिस में FIR दर्ज हुई, जांचें हुई, हाँ। और मैं निर्दोष पाया गया, हाँ। कहीं भी इन्वॉल्व नहीं, और आज भी दावे के साथ कह रहा हूँ मैं कि मैंने ईमानदारी के साथ काम किया है, और उसका अगर एक भी कहीं मुझे भ्रष्टाचार का मेरे पे आरोप लगा दे कि मेवाराम जैन ने कोई रिश्वत लेके कोई काम किया हो, या रिश्वत की कोई मेरे पे आरोप लग जाए, तो मैं राजनीति में संन्यास ले लूँगा। पर जो बातें कर रहे हैं, झूठे जो मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, इसका जवाब टिकट रोकने के लिए तो नहीं, ये टिकट रोकने की बात हो, इसका जवाब जनता देगी। अगर ईमानदारी नहीं होती, मैं 2 बार सरपंच, पहली बार 14 वोटों से जीता था, दूसरी बार निर्विरोध बना, हाँ। बाड़मेर में पहली बार पार्षद बना, पहली बार चेयरमैन बना, और बाड़मेर के विकास किस तरह से मेरे 99 से 2004 तक किस तरह से हुआ, आप बाड़मेर की जनता से पूछे। 2008 से लगाकर आज तक जिस तरह से बाड़मेर का विकास हुआ है, आप देख लेंगे, शहरों का देखो, चाहे ग्रामीण एरिया में देखो, चाहे जितना भी देखो, ईमानदारी के जो साथ विकास करने में मैं कतई
कोई ऐसी नहीं रही कि मेरे पर कोई भ्रष्टाचार है। ठीक है, जानबूझकर उनके पास कोई विकास की कहने की कोई बात नहीं कि वो क्या कहे, जितना काम हुआ इनको कोई बाकी ऐसी कोई न तो उनके पास मुद्दा न कोई बात न कोई विजन। इसलिए सिर्फ एक ही बात, मेवारम। अब नगर पालिका मेवारम का क्या रोल होगा? अब ये बातें देखो, मैं नगर पालिका में इस 5 साल में मैं 10 बार भी नहीं गया हूँ, फिर ये बताऊँ आपको? अच्छा, नहीं तो डेली नगर पालिका, मैं यही तो कह रहा हूँ, आप इसका भी पता करें। ये कहीं भी कहिए, बाड़मेर की जनता मुझे अच्छी तरह से जानती, क्योंकि मैं हर सुख दुख में उनके साथ रहा हूँ। बाड़मेर की जनता मुझे जानती है कि मैं कैसा हूँ, मेरा चरित्र कैसा है। आखिरी सवाल, चौथी बार जनता भरोसा करेगी? देखो, जनता ने ही तो मुझे ये टिकट दिलाया है, और ये टिकट भी मैं बाड़मेर की जनता को समर्पित करता हूँ कि मैंने अगर ईमानदारी के साथ, मैंने आपके कैसा चाहे कोरोना काल रहा हो उसमें भी मैंने परिवार जी कह रहे थे 10 दिन पहले एक इंटरव्यू के दौरान कह रहे थे कि कांग्रेस वाले तो कोरोना में गायब हो गए थे। साहब, यही तो है कि ये दिखी कहाँ, कोई बीजेपी वालों को पूछो कि कोरोना में आज नज़दीक कहीं थे, और मैं कोरोना के उस समय में हॉस्पिटल में रहा हूँ, डेली हॉस्पिटल जाता था और उन मरीजों के साथ में रहा हूँ। मेरे वीडियो देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी, अगर सारे अफसर, मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा उन सभी जिन्होंने कोरोना के अंदर हम प्रशासन से लगाकर, चिकित्सक से लगाकर, सारे चिकित्सा के जितने भी है, भोमासा है, सभी ने सहयोग, जिस तरह से इस विपदा को निपटने में सहयोग दिया, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। मैं जिस तरह के ये झूठे वादे करें, इनके पास कहने को कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ झूठ और बातें। आपने नहीं देखा होगा इनकी परिवर्तनात्मक कितनी फ्लॉप रही, कहाँ है मेरी एक मीटिंग जितनी इनकी परिवर्तन यात्रा में भीड़ नहीं हुई? परिवर्तन संकल्प यात्रा में जबरदस्त भीड़ थी। परिवर्तन संकल्प यात्रा ने पूरे जिले के लोग इकट्ठे हुए तो यहाँ हुई होगी भीड़ आपके 2 से 2500 के बीच में। नहीं नहीं, ये आप दावा कर रहे हैं, बीजेपी 10,000 का दावा कर रही है। बीजेपी 10,000 की है तो बाड़मेर की जनता जानती है, और जनता बता भी देगी इनको, चाहे परिवर्तन यात्रा हो, चाहे इन्होंने जितनी भी आक्रोश यात्रा हो, और चाहे नहीं सहेगा राजस्थान की बात की हो, सब में ये फ्लॉप हुए, और बाड़मेर की जनता, राजस्थान की जनता समझ गई है कि इनके झूठे आश्वासन पे नहीं आएगी। जिस तरह से केंद्र में जन थोती घोषणा, जिस तरह से 2 बार सरकार बन गई, अब के इन जनता इनके थोती बातों में नहीं आएगी, और विकास के नाम पर राजस्थान में वापस सरकार कांग्रेस की बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बाड़मेर की जनता को, हमारे शीर्ष के सभी नेताओं को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे चौथी बार मेरे पे जो विश्वास जताया है, मैं उस विश्वास पर खरा उतरूंगा, और बाड़मेर की जनता को यही निवेदन करूंगा कि आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं आपके जितने भी सुख दुख में हर समय आपके साथ रहूंगा, यही कहता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेवाराम जैन है जो कि ये दावा कर रहे हैं कि चौथी बार भी उन्हें बाड़मेर की जनता का आशीर्वाद देगी, और उन तमाम सवालों पर, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत के ईडी का बयान हो, सीडी का बयान हो, या तथाकथित फोटो वायरल हो, तमाम बयानों पर अपना जवाब दिया। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।